हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फीमेल्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इसकी मैनेजमेंट और हेयर रिडक्शन के मेथड के बारे में। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ यानी कि नॉर्मल से ज्यादा हेयर ग्रोथ अगर फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे ग्रोथ को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कहते हैं। इसके कारणों में सबसे मुख्य कारण है PCOD और PCOS, फिर आते हैं मेडिकेशंस। कुछ फीमेल्स स्टीरॉइड लेती हैं जिसकी वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है, फिर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आता है मेनोपॉज प्रेगनेंसी और कुछ केसेस में बिना किसी कारण भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखी गई है। अब बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में। अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो सबसे पहले उसका इलाज कराना चाहिए। अगर कोई मेडिकेशन है जो महिलाएं ले रही हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए कि वो उसको कम कर दें या उसको बंद कर दें। अब हम बात करेंगे हेयर रिडक्शन के मेथड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है शेविंग। शेविंग इजी है करने के लिए, इसको हम घर पे कर सकते हैं। इसका एक खास नुकसान है कि इसमें इनग्रोन हेयर देखी गई है जिसकी वजह से स्किन पे बम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है वैक्सिंग। इसमें हम हॉट या कोल्ड वैक्स को स्किन पे लगा के हेयर को पुल करते हैं। क्योंकि हेयर रूट से पुल होता है इसलिए शेविंग से ज्यादा पेनफुल है और कई बार हीट यूज करते हैं तो स्किन जलने का खतरा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्रीम्स के बारे में। मार्केट में बहुत सी क्रीम अवेलेबल है जिसको हम स्किन पे यूज करके इजीली रिमूव कर सकते हैं अपने हेयर को, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको हर एक बॉडी पार्ट में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत से स्किन एलर्जिक रिएक्शंस देखे गए हैं। लेजर हेयर रिडक्शन, इसमें हम लेजर लाइट को यूज करके हेयर रूट को बर्न करते हैं। क्योंकि हेयर रूट को बर्न करते हैं इसलिए टारगेट एरिया के हेयर दोबारा जल्दी ग्रो नहीं कर पाते और इसमें पेन भी बहुत कम होती है क्योंकि उतनी ही एनर्जी यूज की जाती है जितनी की पेशेंट सह सकता है। इस मेथड को हम फेस और बाकी के सेंसिटिव एरियाज में भी इजीली कर सकते हैं और इसमें स्किन एलर्जी होने के भी चांसेस भी ना के बराबर हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज इसकी कॉस्ट है, लेकिन कुछ सिटिंग्स के बाद इसका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है जिसकी वजह से कुछ सिटिंग्स में ही हेयर रिमूवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी बन जाता है।